પાલનપુર એસટી બસ સ્ટેશનનું ઈ લોકાર્પણ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના હસ્તે થયું। पालनपुर एसटी बस स्टेशन नु ई लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी ना हस्ते थयु। पालनपुर एसटी बस स्टेशन खाते मंत्री श्री दिलीप कुमार ठाकुर ना अध्यक्षस्थाने कार्यक्रम योजायो। मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी ना हस्ते गुजरात राज्य मार्ग वाहन व्यवहार निगम द्वारा निर्माण पामेल पालनपुर बस स्टेशन सहित राज्य मा नव बस स्टेशनो नु ई लोकार्पण करवामां आव्यु छे। आ प्रसंगे पालनपुर बस स्टेशन खाते योजायेला कार्यक्रम में श्रम अने रोजगार तथा डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग ना मंत्री श्री दिलीप कुमार ठाकुर उपस्थित रहा था। मुख्यमंत्री श्रीए कह्युं हतुं के गुजरात ना गरीब परिवारों में लग्न जेवा सामाजिक प्रसंगे सलामत रीते आवन जावन माटे राहत दरे एसटी बस नी सुविधा पण उपलब्ध करवामां आवे छे। गुजरात ना सात मोटा शहरों में मुसाफरों ने एरपोर्ट जेवी आधुनिक सुविधा मळी रहे तेवा उमदा हेतु थी आधुनिक बस पोर्ट तैयार करवामां आवे छे। आ प्रसंगे मंत्री श्री दिलीप कुमार ठाकुरे जणाव्यु के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी ना हस्ते गुजरात राज्य मार्ग वाहन व्यवहार निगम द्वारा रूपया 43.72 करोड़ ना खर्च थी निर्माण पामेला 9 जेटला बस स्टेशनों नु लोकार्पण करवामां आव्यु छे। जेमा पालनपुर खाते 3.63 करोड़ ना खर्च थी बांधवामां आवेल आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर वाला सुविधा युक्त नवीन बस स्टेशनों पण समावेश थाय छे। बसों में लोगों ने सारी परिवहन सुविधा प्राप्त थाय ते माटे नवी अने मिनी बस सहित एसी बस एसटी निगम द्वारा चलावामां आवे छे। तेमणे कह्युं के कोरोना काल में लोगों ने यातायात में मुश्किली न पड़े ते माटे नफा नुकसान की चिंता कर्या सिवाय एसटी द्वारा अविरत सेवाओ चालू राखवामां आवी छे। एसटी नफा नुकसान माटेनुं नहीं परंतु लोकोनी सेवा माटेनुं माध्यम छे तेम जणावी मंत्रीशीए कह्युं के विद्यार्थीओने अभ्यास माटे आवा जवा माटे सरळता रहे ते माटे पालनपुर बस स्टेशन परथी विद्यार्थीओने मासिक 3000 पास राहत दरे काढी आपवामां आवे छे अने विद्यार्थीओने मासिक 1200 पास राहत दरे काढी आपवामां आवे छे। आम कुल 4200 जेटला पास विद्यार्थीओने अभ्यास माटे काढी आपवामां आवे छे। रोज नौकरी धंधा माटे अपडाउन करता लोकोने 50% राहत दरे मासिक 1500 मुसाफर पास काढी आपवामां आवे छे। लोकोने सारी परिवहन सेवा पूरी पाडवा एसटी निगम कटिबद्ध छे। रिया सोलंकी, जेरेस टीवी, बनासकांठा।